हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। तो दोस्तों, एक और न्यू बिग अपडेट के साथ हम आपको बताने वाले हैं आज कि प्रीवियसली ईयर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग एम्स का क्या कट ऑफ निकल के आया था, वही चीज़ें का डिस्कशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो लाइक भले ही बाद में कर दीजिएगा जब आपका मन करे। यदि हमारा वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो ही लाइक करिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एम्स नॉर्थ साइड 2021 में क्या कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ क्या था, कितनी रैंक तक बच्चे कितना कट ऑफ गया था, तो उनको कौन सा एम्स लोकेटेड हुआ था, सारी ही जानकारी हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दोस्तों, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, यू आर फीमेल लिखा है, यू आर मेल लिखा है, यू आर फीमेल कैंडिडेट, ये सारी ही जानकारी इसमें लिखा है। फीमेल मेल ऐसे कॉलम वाइज उन्होंने देख के रखा है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये पूरी कम्प्लीटली ऑफिशियली है, एम्स नॉर्थ साइड ने खुद वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स 2021 में जो यू आर फीमेल कैंडिडेट है उनका लास्ट का रैंक कहाँ तक गया था। तो दोस्तों, हम जैसा आपको स्क्रीन पर बता देते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट थे, यू आर कैंडिडेट थे, उनका जो लास्ट का रैंक था दोस्तों, वो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 3897 रैंक था। तो उन्होंने एम्स को सिक्योर कर लिया था, मतलब इतनी रैंक तक आए थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। देन वहीं पे हम मेल कैंडिडेट का बात करें दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट का भी आप जैसा देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पर दियोधर, जो एम्स उनको मिला था, जैसा आपको दिखा जा रहा है कि दियोधर जो एम्स था उसमें 2386 उनका रैंक लगा था, तो भी उन्होंने एम्स को सिक्योर कर लिया था और उनको हालांकि एम्स मिल गया था। ये था दोस्तों यू आर फीमेल और मेल कैंडिडेट का लिस्ट। अब बात करते हैं हम यू आर मेल कैंडिडेट फीमेल का होगा, यू आर फीमेल कैंडिडेट का बात करते हैं जो PWD में आते हैं, तो दोस्तों उनका 9867 जो रैंक लगा था तो भी उनको एम्स अलोकेटेड हो गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2022 के लिए कि कितना, यदि सीट इतना ही आता है तो भी आपका सिलेक्शन इतनी रैंक के अंदर हो सकता है। यू आर वो फीमेल जो मेल कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो दोस्तों उनके रिगार्डिंग तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं देख के रखा है, जैसा आपको स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि EWS फीमेल कैंडिडेट का कितना रैंक यहाँ पे सिक्योर हुआ था, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा हम बता देते हैं कि यू आर फीमेल जो कैंडिडेट है उनका कितना सिक्योर किया था, कितनी रैंक कम से कम गया था तो भी उनको एम्स मिल गया था। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा 8895 रैंक लगा था तो भी यू आर EWS जो फीमेल कैंडिडेट थे उनको एम्स मिल गया था। उनको दोस्तों कौन सा एम्स मिला था, तो एम्स दियोधर उनको मिल गया था। भाई बात करते हैं EWS यदि मेल कैंडिडेट है तो उनको कितना रैंक पे उनको सिक्योर हुआ था, तो दोस्तों उनको हम बता देते हैं जैसा इसमें लिखा हुआ और आप भी देख पा रहे होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 4251 जो उनका रैंक लगा था तो EWS कैंडिडेट में थे वो, तो उनको एम्स मिल गया था, मतलब एलोकेटेड हो गया था। देन बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी का कि सेकेंड कैटेगरी में क्या रैंक लगा था, तो ओबीसी जो फीमेल कैंडिडेट है, ओबीसी जो फीमेल कैंडिडेट है उनका जो लास्ट रैंक था उसके अकॉर्डिंग कितना कम रैंक था तो उनको एम्स मिल गया था, वह सारी बात बता रहे हैं हम आपको अभी। इसमें आप जैसा देख पा रहे होंगे दोस्तों लिखा हुआ है 5016 जिनका ओबीसी कैंडिडेट थे, जैसा आपको देख पा रहे हो 5016 भी रैंक था। यदि ओबीसी कैंडिडेट फीमेल थे उनका 5016 रैंक था तो उनको दोस्तों एम्स पटना मिला था। तो ये हाईएस्ट जो मैक्सिमम रैंक था उसके अकॉर्डिंग इनको ओबीसी कैंडिडेट फीमेल थे तो उनको 5016 पे उनको मिल गया था। ओबीसी मेल का बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी मेल में हाईएस्ट जो रैंक था वो कितना था तो उनको मेल को मिल गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको स्क्रीन पे जैसा दिखा रहा होगा हम बता देते हैं कि 2481 जो पोस्ट था, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा लिखा हुआ है इतना, मतलब 2481 यदि रैंक था तो भी ओबीसी कैंडिडेट को उनको एम्स 2021 में उनको मिल गया था। देन बात करते हैं भाई पे कि ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है और वो EWS से बिलोंग करते हैं तो उनको कितना मिला था, तो उनको दोस्तों 19916 रैंक लगा था तो भी दोस्तों उनको एम्स मिल गया था। देन बात करते हैं ओबीसी मेल PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए भी बहुत बड़ा रैंक था, 19624 रैंक था तो भी उनको एम्स मतलब अलोकेटेड हो गया था। देन अब बात करते हैं दोस्तों एससी फीमेल कैंडिडेट का कि उनको कितना रैंक सिक्योर हुआ था तब जाके उनको एम्स मिला था।
तो एससी कैंडिडेट का हम यहाँ पे बात करते हैं। एससी कैंडिडेट में दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रैंक लगा था तो भी उनको एम्स मिल गया था दोस्तों। तो एससी कैंडिडेट में आप जैसा देख पा रहे होंगे लिखा हो 7411 पोस्ट रैंक, सॉरी 411 पोस्ट था तो भी उनको एम्स एलोकेटेड हो गया था। फिर बात करते हैं वहीं पे मेल कैंडिडेट के, तो मेल कैंडिडेट में एससी को कितना मिला था, तो जैसा हम बता देते हैं इसमें आपको दिखा देते हैं एससी कैंडिडेट में जितने भी मेल कैंडिडेट थे उनको हाईएस्ट से हाईएस्ट जित कितना उनको रैंक था तो भी उनको एम्स मिल गया था। तो 3868 जिनका रैंक था वहाँ तक भी उनको एम्स दोस्तों मिल गया था। ये 2021 का डाटा है दोस्तों और ये कम्प्लीटली फैक्ट और बेसिस पे ही, क्योंकि ये एमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन बात करते हैं दोस्तों एससी जो फीमेल एसटी जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कितना लास्ट में सिक्योर हुआ था हाईएस्ट, जितना उनका रैंक था उसके अकॉर्डिंग उनको कौन सा एम्स देखने को मिल गया था। तो जैसा आपको दिखा रहा है दोस्तों लिखा हुआ है 10728, मतलब इतना आप समझ सकते हो कि कितना 10728 रैंक लगा था तो भी दोस्तों उनको एम्स मिल गया था। देन बात करते हैं हम एसटी फीमेल जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे लास्ट ईयर में उनको कितना रैंक सिक्योर हुआ आया था तो उनको तो भी उनको एम्स मिल गया था। तो दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा है, अब देख पा रहे हो 10023 पर रैंक लगा था तो भी दोस्तों इनको यहाँ पे एम्स मिल गया था। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक अंदाज़ा लगा सकते हो यदि एम्स ने इस बार 2022 में भी इतना ही पोस्ट निकाला तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आप कैंडिडेट हो, जिस जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, जिस जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उसमें आपको इतना रैंक आपको सिक्योर देखने को मिल जाता है। देन बात करते हैं जो 4 सेंटर लेवल के जो हॉस्पिटल है दिल्ली वगैरह में उनमें भी दोस्तों अच्छा खासा रैंक था, उसमें भी आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ यूआर कैंडिडेट को जो थे उसमें 29 था, ओबीसी का आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा 224, एससी में आपको 451 रैंक मिला था तो आपको मिल गया था। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा रैंक आपको हाईएस्ट देखने को मिला हुआ था अकॉर्डिंग टू, इसमें दोस्तों अलग अलग हॉस्पिटल का देखे रखा हुआ है ये, इसके अकॉर्डिंग इनको जितने को भी जो जो रैंक था उनको सारे को ही एम्स एलोकेटेड हो गया था। ये जो भी डाटा है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नॉर्थ 2021 के लिए रहने वाला था, यह ये डाटा बेस पे था, जितना पोस्ट 5000 के समथिंग पिछले ईयर का जो पोस्ट निकला था उसी के अकॉर्डिंग का डाटा ये रहने वाला था। यदि एम्स इस बार भी यही सीट निकालता है तो सेम ही डाटा आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, बाकी आपका इतना यदि रैंक आ रहा है तो आप सिक्योर हो कि हाँ हमें एम्स मिल सकता है। अब मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका सिक्योर रैंक होगा मेल के लिए 286 आपका सिक्योर होगा। देन बात करते हैं फीमेल का, यदि फीमेल का है तो 8997 इतना रैंक आपको सिक्योर होगा, ये देखने को मिला था लास्ट ईयर में। देन बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है दोस्तों उनका कितना था दोस्तों, तो 4286 पोस्ट यहाँ पे रैंक मेल का था। देन वही बात करते हैं हम फीमेल कैटेगरी का कितना था, फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8895 रैंक लगा था तो भी उनको एम्स देखने को मिल गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों आप ओबीसी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको कितना मिला था, तो लास्ट में दोस्तों ओबीसी में 2081 जिनका मेल कैंडिडेट है उनका लास्ट हाईएस्ट जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रैंक आया था तो भी उनको एम्स मिल गया था। देन बात करते हैं भाई पे फीमेल कैंडिडेट को, तो फीमेल कैंडिडेट को 5000 से ऊपर की रैंक में भी उनको एम्स एलोकेटेड हो गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों आप एससी कैंडिडेट का, एससी कैंडिडेट यदि फीमेल कैंडिडेट थे तो उनको 3868 में आपको उनको एम्स देखने को मिल गया था। वहीं बात करते हैं हम यदि फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको 7411 में भी उनको एम्स सिक्योर हो गया था, मतलब इतना भी रैंक आ रहा था तो भी उनको एम्स देखने को मिल गया था। भाई बात करते हैं हम एसटी कैंडिडेट का, तो एसटी कैंडिडेट का दोस्तों 10023 में भी उनको जो फीमेल कैंडिडेट है उनको एम्स मेल देखने को मिल गया था। भाई बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का, तो दोस्तों उनको भी 10000 के समथिंग ही आपको देखने को मिल गया था। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, यदि एम्स आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितनी कितनी रैंक आप ऑब्टेन करते हो तो भी आपको एम्स देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ही पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, यदि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, और सारा ही डाटा आपको डिपेंड करेगा दोस्तों कि एम्स 2022 में कितना पोस्ट रिलीज़ होने वाला है या कितना पोस्ट वैकेंट है, उस पर सारा ही डाटा निकल के आएगा और उसी पे बेस्ड होगा कि आपको कितना कट ऑफ जा सकता है, कितनी रेंज तक आपको सिक्योर एम्स मिल सकता है, वो सारी ही जानकारी आपको
जब एम्स अभी 26 तारीख को रिजल्ट होगा तो भी आपको दोस्तों पता चल जाएगा। तो यदि आपको और भी अपडेट मोर अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एम्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। तो ये जो PDF है मैं इसको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों यदि किसी को कुछ भी डाउट होता है रिगार्डिंग एम्स वगैरह तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है, अपने कमेंट्स पुट कर सकता है, हम बिल्कुल कमेंट्स का रिप्लाई आपको देंगे। एंड दोस्तों एम्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।